अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के शंख ध्वनि कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको गंगा दशहरे के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या है इस पर्व का महत्व। हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के बीच गंगा दशहरा का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। किसी भी प्रकार का धर्म कर्म के कार्य में और पूजा अनुष्ठान में गंगा जल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। पंचांग के मुताबिक हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। साल 2021 में गंगा दशहरा 20 जून को पड़ेगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन अर्थात गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करना चाहिए और इसके बाद यथाशक्ति दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन शरबत, पानी, मटका, पंखा, खरबूज, आम, चीनी आदि चीजें दान की जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति इस दिन जिस भी चीज का दान करते हैं वो संख्या में 10 होनी चाहिए। इस दिन गंगा में स्नान कर देवी गंगा की आरती और विशेष पूजा की जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान से कई यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होते हैं, लेकिन कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। आइए जानें इस साल गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त दशमी तिथि आरंभ 19 जून 2021 को शाम 6:50 पर, दशमी तिथि समापन 20 जून 2021 को शाम 4:25 पर रहेगा। पूजा विधि। गंगा दशहरा के दिन लोगों को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्म करके गंगा में स्नान करना चाहिए। हालांकि इस समय कोरोना वायरस के चलते गंगा नदी तक पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर पानी से स्नान करें। इसके बाद सूर्योदय के समय सूर्य को गंगा जल से मिले जल का अर्घ्य दें। इसके बाद अब माँ गंगा का ध्यान करते हुए गंगा के मंत्रों का जाप करें। पूजा करने के बाद गरीब और जरूरतमंद ब्राह्मणों को दान दें, इससे बहुत लाभ होता है। इस मंत्र से करें माँ गंगा की आराधना। नमो भगवते दशपापहराय गंगाय नारायणाय रेवत्य शिवाय दक्षाय अमृताय विश्वरूपाणाय नंदिनीये ते नमो नमः। अर्थ है, भगवती दस पाप हरने वाली गंगा, नारायणी, रेवती, शिव, दक्षा, अमृता, विश्वरूपणी, नंदिनी को मेरा नमन। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आएगी। अगले सप्ताह किसी नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।